हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिताली और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस मास्क जो कि फ्लैक्सीड से बनेगा। फ्लैक्सीड को हम हिंदी में अलसी भी बोलते हैं। फ्लैक्सीड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं एंड ये आपकी स्किन की वेरियस प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे डील करेगा। अगर आपकी स्किन में फाइन लाइंस या रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जो लेट 20s या 30 अर्ली 30s में आ जाते हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आप मच्योर्ड स्किन है आपकी, तो ये फेस मास्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली फॉर द मच्योर्ड स्किन या 20+ एंड 30+, जो टीनेजर्स होते हैं जिनके स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अगर आपके स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, देन दिस मास्क इज़ फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। क्योंकि सो द फाइनल पार्ट इज़ कि ये जो फेस मास्क है ये फाइन लाइन्स दूर करेगा, रिंकल्स दूर करेगा, एक्ने दूर करेगा, आपके फेस को अपलिफ्ट करेगा, इवन टोन स्किन देगा एंड ये सारे ही एज ग्रुप इसको लगा सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। टू स्टार्ट विथ, मैं सबसे पहले ले रही हूँ ग्रीन टी। तो मैं ग्रीन टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन क्योंकि ग्रीन टी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैं फ्लैक्सीड को ग्रीन टी में मिला के ही बनाने वाली हूँ एक जेल। फ्लैक्सीड और ग्रीन टी मैं दोनों को एक साथ बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जेल में दोनों के बेनिफिट्स हों। बॉईल करते मुझे 5 मिनट हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसकी एक, जब मैं फिंगर्स ऐसे करूँगी तो एक तार की कंसिस्टेंसी बन रही है, एक स्ट्रिंग बन रही है। यहाँ पे हमें अपना जो फ्लेम है, जो गैस है, वो ऑफ करनी है। हमें अपना लिक्विड बहुत गाढ़ा नहीं करना है बिकॉज उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको स्ट्रेन करने में। तो बस मैं अपनी छलनी की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन टी और फ्लैक्सीड जेल का ये जो बन गया है लिक्विड, मुझे ये ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन के बहुत फ़ायदे होते हैं, जो चिकपी हम बोलते हैं, चिकपी फ्लावर, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। तो बेसन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर मैंने जैसे कहा आपकी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, दाने हो जाते हैं आपकी स्किन में, देन टर्मरिक हल्दी पाउडर इज़ ऑल्सो अ मस्ट। उसको ज़रूर लगाइए, एक पिंच डालिएगा एंड आप इसको बना के रख सकते हैं। साथ ही दही, जैसे आपकी स्किन में अगर सन टैनिंग हो रही है तो दही इज़ वेरी गुड। ये आपकी स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ हनी। दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डालो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। हनी के भी बहुत से स्किन बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, ये जो फ्लैक्सीड मैंने बनाया था जेल, इसको मैंने मुझे लगा कि इसको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत काम की चीज़ है, तो मैंने इसको ग्राइंड कर दिया, मिक्सी में चला दिया और अभी तो फ़िलहाल मैं इसको अपने फेस मास्क में डाल रही हूँ। तो इसको फेंकना मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा ये भी बहुत काम की चीज़ है। बैचेस बना के रख लो जैसे कि मैं बना के रख रही हूँ एंड ये आराम से 1-2 हफ्ता चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखिएगा और इसको एयर टाइट डिब्बे में रखिएगा एंड इसकी शेल्फ लाइफ आराम से 1-2 हफ्ता आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर फ्रिज में रखा है तो। हफ्ते में आप इसको 3-4 बार लगा सकते हो बिकॉज एवरीथिंग इज़ नेचुरल और आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। इसमें कोई ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के लिए ख़राब होगा या आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाएगा। सो एवरीवन कैन यूज़ इट एंड 3-4 times इन अ वीक आप इसको लगा सकते हो। मैं लगाने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के लिए मैं लेती हूँ दूध, मिल्क, अगर रॉ मिल्क है बहुत अच्छा, अगर रॉ मिल्क नहीं है तो आप के पास जो मिल्क है आपके घर में आप उसको यूज़ करिए। कॉटन बॉल की हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये जो टेक्निक है ये मेरी आज की नहीं है, जब मैं छोटी थी मेरी मॉम मुझसे ये अक्सर करवाया करती थी बिकॉज मिल्क इज़ वेरी सेफ फॉर द किड्स ऑल्सो। एंड कुछ नहीं तो आपके भी अगर घर में बच्चे हैं तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ उनका जो फेस है वो मिल्क से साफ करिए। आपके बच्चों का जो रंग है वो निखर जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एकदम सेफ़ है। मैंने खुद यूज़ किया है, मेरी मॉम उससे यूज़ करवाती थी। इट इज़ अ वंडरफुल रेमेडी टू क्लीन योर फेस, बहुत मुझे इससे फ़ायदा मिला है और आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि ये जो एज ओल्ड रेमेडीज़ होती हैं जो हमारी मम्मी नानी दादी जो बताती हैं, दे आर रियली
वेरी गुड, बहुत अच्छी होती हैं, इनको यूज़ करो, इनको भूलो मत. क्लेंजर्स एंड ये सब तो अपनी जगह है, केमिकल एंड ऑल, बट आई ऑलवेज प्रिफर होममेड थिंग्स. तो घर की चीज़ से आप अपने फेस को क्लीन करिए. आफ्टर क्लीनिंग द फेस विथ मिल्क, नाउ इट्स द टाइम टू अप्लाई द मास्क. गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस मास्क आई हैव एवर यूज्ड. ये आपकी स्किन के लिए एक रामबाण है, बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के सारे इश्यूज सॉल्व कर देगा. मतलब आप जब इसको लगाओगे तभी आप समझोगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. नाउ इट हैज़ बीन सिटिंग ऑन माई फेस फॉर पास्ट 20 मिनट्स और सो, एंड नाउ इट्स द टाइम. आफ्टर वॉशिंग द फेस विद क्लीन वाटर, आई अप्लाई ग्रीन टी टोनर ऑन माई फेस, बिकॉज टोनर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके pH लेवल को बैलेंस करता है, और ख़ास करके अगर आपकी एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये आपके स्किन के जो सीबम प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करेगा. सो टोनर लगाती हूँ एंड फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइजर. फिर जो भी आपका मॉइस्चराइजर है, फेस क्रीम है, उसको लगा के लीव इट. जैसे कि आप अपने हेयर को नरिश करते हो, तेल लगाते हो, एज ओल्ड रेमेडी है ये भी. बचपन से हमारी मम्मियाँ हमारे सरों में तेल लगाती थी और आज भी हम लगाते हैं. अगर आदत आपने बना रखी है तो आप अपने स्कैल्प को नरिश करते हो, बाल को नरिश करते हो ताकि वो लंबे हों. इसी तरीके से आपकी स्किन को भी नरिशमेंट चाहिए. स्किन को नरिश आप एक तो इंटरनली कर सकते हो, अच्छा खाना खा के, केला है, सेब है, वट एवर, जो भी फ्रूट्स एंड ऑल एंड वेजीज एंड ऑल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बाय नरिशिंग योर स्किन, आपकी जो आउटर जो अपर लेयर है इसको भी आप नरिश कर सकते हो बाय अप्लाइंग गुड थिंग्स ऑन योर स्किन. जैसे हम बालों में तेल लगाते हैं, उसी तरीके से हमारे अपनी स्किन को नरिश करने के लिए हमें ये सारी रेमेडीज भी करते रहना चाहिए. एंड आई एम श्योर कि आप हफ्ते में एक दिन तो निकाल ही सकते हो अपनी स्किन को नरिश करने के लिए. ये मास्क आप रेगुलरली लगाओगे तो आई एम टेलिंग यू गाइज, आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी. एक्ने के बाद जो काले काले जो ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं वो चले जाएंगे. फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, एज स्पॉट्स हैं, वो चले जाएंगे. अगर आपको टैनिंग हो गई है वो चली जाएगी. सो ओवरऑल दिस इज़ अ वंडरफुल मास्क. आपको ज़रा सा भी ये रेमेडी अच्छी लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल. नॉट ओनली लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अप्रिसिएशन मिलता है, लगता है कि ओके फाइन, हम जो भी आपके लिए कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, और खुद को खुशी मिलती है और एक फीलिंग आती है कि चलो ठीक है, वट एवर आई एम डूइंग इट इज़ अप्रिशिएटेड एंड पीपल आर लाइकिंग एंड पीपल आर सब्सक्राइबिंग. सो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड अगर हो सके तो शेयर भी कर दो. आई विल फील गुड, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम कुछ क्रिएट करते हैं आपके लिए और अगर आपकी तरफ से मुझे कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिलता थ्रू लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज आदमी हो जाता है. सो आई वॉन्ट कि आप मुझे बताएं, कमेंट्स भी दें, कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप मुझसे इंटरेक्ट करें एंड मुझे बताएं कि आपको मेरी रेमेडीज कैसी लगी. सी यू सून नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.